खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल महासचिव का विदर्भ दौरा। लालजी प्रसाद मिश्र अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल तथा प्रभारी महाराष्ट्र प्रदेश का विदर्भ संगठनात्मक दौरा, जिसमें सर्वप्रथम नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वासिम, बुलढाणा, अमरावती से रीवा पहुंचेंगे मिश्र कर्नाटक से। कन्याकुमारी राहुल गांधी के साथ उपस्थित थे कद्दावर नेता के साथ बताया कि आगामी लोकसभा व महाराष्ट्र अन्य राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस विजय होगी। तत्कालीन मोदी सरकार अनेक झूठे मुद्दे पर विफल हुई, इस अवसर पर जगह जगह मिश्र जी का स्वागत किया गया। सतीश पारधी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल में हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के रीवा जिला के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के प्रभारी होने के नाते हम अखिल भारतीय स्तर से पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं। 5 तारीख से लेकर के निरंतर 17 तारीख तक विदर्भ के विभिन्न जिलों का, नागपुर, भंडारा और आज गोंदिया में हैं, गोंदिया के बाद चंद्रपुर, यवतमाल और तमाम सारे जगह में हम दौरा कर रहे हैं। हमारा संगठन में चूँकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम हैं, कांग्रेस की उपलब्धियां हैं, उनका प्रचार प्रसार करना और साथ में जो भाजपा सरकार की कहना चाहिए कि कुरूतियाँ हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में जो मैंने असफल विफल रही है उनकी पर्दाफाश करना। इसे आपने देखा कि इतनी महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन्होंने जब आपके सत्ता में आई तो इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, कोई भी रोजगार नहीं दिया। महंगाई आसमान में छू रही है, रसोई गैस कितनी कीमत बढ़ रही है, तमाम सारे हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है और हर क्षेत्र में भाजपा सरकार असफल है। कांग्रेस में अभी हमारे कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में आपके कन्याकुमारी से लेकर के काश्मीर तक उन्होंने पदयात्रा की, हम उनके साथ में पदयात्रा में पूरे समय रहे, 7 स्टेटों में उनके साथ रहे और महाराष्ट्र के प्रभारी होने के नाते प्रत्येक जिलों में उनके साथ रहे। हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता का जो साथ था, जनता का जन समर्थन पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के साथ था। सुबह 4 बजे से लेकर के लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए 4 बजे से लाइन लगा करके उनको सड़क में खड़े रहते थे और उनको पूरी तरीके से राहुल गांधी को जन समर्थन देते थे। इस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आपके भारत जोड़ो यात्रा में रही, तमाम सारे।